अब ये क्वेश्चन थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री में तीन पार्ट है हमारे पास में, ठीक है, थ्री सेक्शन में डिवाइडेड है, तो उसमें हम दो कर देते हैं आपके लिए, फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसके थर्ड पार्ट कर देते हैं सेकंड। आप तो इजीली हंसते खेलते इसके धज्जे उड़ा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू। इजी है, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, करें सॉल्यूशन। देखो इसमें भी हमें क्या करना है कि दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, करें। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा dy अपॉन dx, ठीक है, पावर आगे आएगा, आ गया, ठीक है, साइन इनवर्स x, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन किसका करोगे, साइन इनवर्स x का, और आपको पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को आप शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और छूटा हुआ हमारा क्या छूटा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये छूट गया, ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन करने से पहले काम और कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड पे करो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यार देखो कभी भी जब रूट में आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर या वन प्लस एक्स स्क्वायर जो भी हो, तो उसको सबसे पहले कोशिश करना कि रूट को हटा दे, ठीक है, जब रूट को हटाओगे ना तो अपना जो टारगेट है जो मैं प्रूफ करने के लिए बोला उसके करीब आप पहुंच जाओगे, सेकंड बार करोगे तो इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है, तो स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे रूट चला जाएगा ना, और 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं यहां से हटा रहा हूं, क्या हटा रहा हूं, ठीक है, 2 को बाहर ले आ रहे हैं, बाकी बात इसको रहने देते हैं, ठीक है, तो 2 को अगर मैं बाहर करूंगा देख लिया ना 4 मिलेगा, साइन को ऐसे रहने देते हैं भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स को उसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो, ठीक है, इसके प्लेस पे हम वाई रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसके प्लेस पे वाई रख देंगे, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड फंक्शन का करने जाओगे ना तो पहले पावर आगे आएगा, आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर में 1 घटाओगे तो ये 1 हो जाएगा, इसलिए हमने डिवाइड अपॉन डी एक्स लिखा, ठीक है, अगेन करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस, देखो इस फंक्शन का क्यों, इसको छोड़ो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, गलत लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है, डिवाइड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखें, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस टू एक्स, ठीक,
लेफ्ट हैंड साइड का काम कंप्लीट हो गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो मैं इसको शो करके दिखाता हूँ, 4y इस पूरे वैल्यू के प्लेस पे हम y रखते हैं, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करने जाओगे नहीं तो y1 बन जाएगा, ठीक। अब यहां से अगर हम कॉमन कुछ ले लें तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में ले जाना है, ठीक। कोई बात dy अपॉन dx, तो कॉमन ले लो आप 2dy अपॉन dx को कॉमन ले, है ना। तो 2dy अपॉन dx को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस 2, तो ले चुके हैं कॉमन, x मिलेगा यहां से हमें dy अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है। देखो dy अपॉन dx से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 टू 4, ठीक। जो बचा रिजल्ट को लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ठीक, माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। देखो यही मैं प्रूफ करना था, कितना इजीली हम प्रूफ कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक, और अपनी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट थर्ड का है ना, थर्ड का थर्ड पार्ट करवा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा इफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 4, 5, 6, ठीक है। यहां से मैं आपको कोशिश करूंगा कि सब करवा दूं। 5 में cos इनवर्स x वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकेंड और थर्ड पार्ट करा देंगे, ठीक है। 6 का दोनों करा देंगे, 7 से एक पार्ट करा देंगे, एक आप करेंगे, और 8 से हम एक क्वेश्चन करा देंगे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। लेकिन हम इसको सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ना करोगे बल्कि पावर का करोगे, तो पावर आगे आएगा, आ गया 10 इनवर्स x, पावर में 1 सबट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, जरूरत नहीं है। अब करोगे डिफरेंशिएशन 10 का, तो d अपॉन dx ऑफ 10 इनवर्स x, सो करके देखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है आपको क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर, या तो x स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट में हमें लाना क्या, x स्क्वायर प्लस 1, तो लिख देते क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, जब शिफ्ट करोगे तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो, नहीं। अगेन डिफरेंशिएशन
अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, बी फॉर बोथ एस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, देखो इससे मान लेता हूं मैं फर्स्ट फंक्शन, इससे मान लेता हूं सेकेंड फंक्शन. ठीक है, यहां तो सिंगल फंक्शन है तो कोई जरूरत नहीं है हमें कि उसको माने फर्स्ट या सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया. ठीक है, सबसे पहले तो डीवाई अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा आपको क्या, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, डीवाई अपॉन डी एक्स का, तो ये मिल जाएगा हमें यहां से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, मिलेगा ना. अच्छा कुछ मिस्टेक किया ना, हाँ देखो 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 यहां से इसको मैंने कॉपी कर लिया है ना. अरे यार फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, वही मैं कह रहा हूँ यार इतना एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, कर दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू. ठीक है, नहीं भाई इक्वल टू क्यों होगा, कर दिया मैंने इसका. अब आगे में चलो, छोड़ दो इस फंक्शन को, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दो और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो देखो वन का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, टू एक्स होगा इन टू टू एक्स. ये कंप्लीट हो चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में, आइए जरा राइट हैंड साइड में. इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, बहुत आसान भाषा में उसको हम लोग कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है. ठीक है यार, देखो बचपन क्लास से पढ़ते हुए आए हैं. ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो हम इसलिए कहा कि आसान भाषा में कहते हैं. ठीक, अब क्या करो कि इस फंक्शन को आप राइट पे ले जाओ. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी टू वाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू टू. इतना जगह तो काफी है, प्रोडक्ट करोगे तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, यानी कि स्क्वायरिंग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है रह, इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर देते हैं. तो चल कौन सा फॉर्मेट में लेके जाना था, कोई बात नहीं चेंज कर देंगे आखिर में, लास्ट में चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज से डरना नहीं है. तो टू टाइम्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू, यही है. अब चेंज कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैंने ध्यान दे दिया पूरी मिटाने से क्या फायदा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, टू को रखो आगे में ही, टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन तो वाई वन इज इक्वल टू टू, यहां से ये हो गया आपका टू. ठीक है, कभी भी टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से भी आप डिफरेंशिएशन कर देते हो ना, लास्ट में चेंज कर देते हो तो नंबर बिल्कुल नहीं कट सकता, क्यों कटेगा यार, है तो वही रिप्रेजेंटेशन करने का जो है वो तरीका आपने बदल दिया. ठीक है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ इस फॉर्मेट में दिखा दिया, चेक कर ले जरा सा. चलो ठीक, तो आज हम लोग यहीं रखेंगे. ठीक है, और थर्ड लेक्चर में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे.